गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सवेरे के 9:37 और ऑलरेडी मैं उठ चुका हूँ। वो कहानी मैं हर दिन नहीं सुनाऊंगा, और उठकर सबसे पहले थोड़ा सा वही अपना वीडियो देखना, क्या परफॉर्मेंस कर रहा है क्या नहीं, वो सब किया। वो सब करने के बाद अभी लगी है क्या भूख, तो उसे खाना है, खाना भूख को खाना खाना है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब लगी है भूख तो खाना खाना है, खाना मतलब इन द सेंस ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और बाकी की जो एक्टिविटीज़ होगी आज के दिन में वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बनी रहिएगा इस ब्लॉग पे। और हाँ, कुछ नहीं, क्या है हाथ में, क्या है ये देखिए बच्चों का, ये कंचा दिखा मेरे को तेरा, ये कंचा हम भी छोटे में खेलते थे और अभी ये दोनों खेल रहे हैं। नाम तुम्हारा नाम क्या बता दे, दीपू कुमार। तुम्हारा नाम जग्गू ना, अबे मतलब जग्गू ही रखेगा तेरा नाम। हाँ देखो दोनों को ले, अरे कहाँ पे खेलेगा ले जाके। हाँ अरे अब ये नहीं, अब इसको वीडियो में अपने चेहरे को देख रहा था तो इसलिए मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। नाम ही उसका कोई नहीं, अच्छा है, अच्छा है। अम्मा लाइट चली गई तो तुम गर्म में कैसे सोती, देखो अम्मा को देखो, अंधेरा ऐसे ही बोल रहा, अंधेरा में दिखाई भी नहीं दे मम्मी का मुंह, मम्मी उठ रही है तो कैसे सोती बताओ। हाँ फिल्म देख रही थी, कहा पीके फिल्म पीके मस्त देख रही थी, लाइन ही चली गई। अब लाइन चली गई तो मम्मी उठ गई इधर गर्म में। वैसे बात तो यही है, वो देखो बत्ती जी अभी वो अपने काम की तैयारी कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है 3:15 और इस समय मैं भी सो रहा था तो लाइट गया, अब उठ गया, गर्मी अंदर को छू रहे है पसीना। तो अभी क्या करना है, नहाना है, नहा के फ्रेश होना है, उसके बाद काम बाकी है, वो काम कर रहे हैं, वो काम आपको दिख जाएगा व्लॉग में, आज के रात का व्लॉग में दिख जाएगा। तो और अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो कल के व्लॉग में दिखेगा। तो सही है, मम्मी देख रही थी पीके और लाइन चला गया टीके, तो कोई नहीं ठीक है। तो मैं नहाऊंगा उसके बाद मुलाकात करता हूँ आप लोगों से। तो ये कहाँ जाती, क्रिकेट खेलने जाती, पानी वानी हो गया जा जाओ। तो माहौल कुछ इस प्रकार का है, पिछले 2 दिन से मैं ग्राउंड तो जा रहा हूँ पर जैसा मुझे अपनी फिज़िकल पे वर्कआउट करना होता है मैं वैसा कर नहीं सकता हूँ। पता नहीं कल भी बॉडी थोड़ी भारी लग रही थी तो बस मैं रनिंग नहीं किया, थोड़ी देर बैठा, वॉकिंग किया, वापस घर पे आ गया। और उसके डे ऑफ उसके पहले भी वही था, 3-4 बार चक्कर लगाया ग्राउंड का, उसके बाद इतना नहीं दौड़ा। तो आज दबा के करनी है मुझे रनिंग और एक्सरसाइज। हाँ तो भाई लोग थोड़ा पसीना वसीना बहा के आ गया, पसीना वसीना बहाने का मतलब रनिंग करने गया था, दबा के रनिंग किया, 2-3 दिन तो नहीं किया था इसलिए दबा के रनिंग किया और एक्सरसाइज भी किया। तो घर आया, तो घर आने के बाद थोड़ी चटपटा सा चीज़ खाया, बहुत झाल लग गया था, पता ही नहीं था वो मतलब चटनी था एक, वो मतलब क्या कहेंगे उसे, सूखी मिर्च होती है ना उसका चटनी था, डाल के खा दिया पूरा ओंठ जीभ गर्दन सब जलने लगा। तो थोड़ा पंखा चला के बैठा, हवा करके बैठा तो अंदर हवा आ गया तो थोड़ा ठीक हुआ। तो अभी फ़िलहाल को क्या है कि फ्रेश होते हैं, 7:30 हो चुका है, तो फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो हो गया जो भी फ्रेश होना था। तो भाई लोग आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला है, अगर खेला है तो मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा क्योंकि मैं क्रिकेट को बहुत ही प्यार करता हूँ। इसलिए मेरे पास क्या है, ये देख रहे हो ना, ये मैं ये बॉल से तो ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हूँ, रेड बॉल से ज़्यादा मैचेस खेला हूँ मैं, इससे नहीं खेला हूँ, इससे
एक या दो मैचेस ही खेला हूँ, ज़्यादा नहीं खेला हूँ, और कॉम्पिटिटिव मैच तो एक ही खेला हूँ उससे। तो वही है, जो चीज़ अगर आपको पसंद है वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास बॉल है, बैट भी था, पर बैट अभी वो क्लब का है तो क्लब के पास है, मेरे पास अभी नहीं है। तो यही है, कभी खेलिएगा, अच्छा होता है। अगर आपको पसंद है तो खेलिए, ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है खेलने के लिए, ठीक है। बाकी अभी घर पे देखते हैं रात का खाना में क्या है। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं घर पे क्या अभी रात को बन रहा है। और वैसे भतीजी बनाती है, मम्मी रात को नहीं बनाती है, तो देखते, ज़्यादातर भतीजी बनाती है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। फिलहाल मेरे ख्याल से क्या बन रहा है, आलू की भाजी अच्छा है, मेरे को पसंद है ज़्यादा आलू की भाजी। और दाल चावल है, चटनी अपना फेवरेट, मज़ा आएगा खाने में। तो ठीक है, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। पता है यार कल क्या हुआ, कल मैं ना हॉटस्टार पे गया और हॉटस्टार पे ऐसे ही स्क्रॉल कर करके देख रहा था, तो मुझे एक वेब सीरीज़ मेरे सामने आया जो मुझे देखकर अच्छा लगा, मतलब उसको खोला नहीं लेकिन उसकी जो पोस्टर है वो देखकर अच्छा लगा। तो मैंने उसे फर्स्ट एपिसोड खोला, तो उसे देखना चालू किया, इंटरेस्टिंग बढ़ते गया, देखते रहा, तो अंत में जाके ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में गया, फिर नेक्स्ट एपिसोड ऐसे करते 12:30 बज गया। मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है ना वेब सीरीज़, सारे वेब सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी वेब सीरीज़ होते हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप एक एपिसोड देखते हो तो आपको मजबूरन दूसरा एपिसोड देखना ही पड़ता है, मतलब इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं, इतने जो उन लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है जो डायरेक्ट करते हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि लोग उसके साथ चिपके रहे, मतलब कहीं नहीं जाए उनको छोड़कर। शायद उनका बनाने का जो तरीका है ऐसा ही है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग भी वेब सीरीज़ देखते हो तो पूरा देखा, ताकि उससे आप कुछ सीख पाओ और अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर पाओ। और अगर एक एपिसोड देखते हो तो मत ही देखो, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा और जो बनाते हैं उनको भी क्या होगा। इसलिए देखने से पूरा देखो, सस्पेंस क्लियर होगा, अदरवाइज़ आप सस्पेंस में रह जाओगे। तो मैंने कल देखा तो मुझे कुछ सीखने को भी मिला और मुझे अच्छा भी लगा। वैसे ज़्यादा एडिक्टेड होना भी नहीं चाहिए, बहुत लंबा लंबा होता है यार, 3-4 घंटा। मैंने जो देखा एक एपिसोड 50-50 का था, तो 5 एपिसोड था तकरीबन, 5ों देख लिया मैं। और अभी तो अभी बज रहे रात के 9 और अभी खाना खाने का वक्त हो चला है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी दिख रही है उसे बजाकर ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो की वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।